नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूंगा आप मोटोरोला का कोई भी स्मार्टफोन मत खरीदिए। एक दो स्मार्टफोन के रिलेटेड मैं बोलूंगा जो आपके लिए शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन जो फ्लैगशिप कैटेगरी में आता है 30,000 के आसपास, तो मैं जस्टिफाई करूंगा क्यों लेना नहीं चाहिए। पहले तो डिस्प्ले के रिलेटेड बोलता हूँ, मोटोरोला, रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, ये सारे ब्रांड्स का कोई भी स्मार्टफोन अगर कार डिस्प्ले के साथ आता है आपको नहीं लेना है। आप भी जानते हैं फ्लैगशिप कैटेगरी के जो फोन्स रहता है ना, वहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले के साथ दिया जाता है, तो फ्लैट डिस्प्ले ही फ्यूचर है। कार में क्या होगा, बहुत सारे इश्यूज रहता है, जैसा कि आप चाहें तो एक टेम्पर ग्लास ढंग से नहीं लगा सकते तो डिस्प्ले टूटने का चांसेस है, अगर गिर गया मोबाइल तो भी टूटने का चांसेस है। एंड ये जो कार डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले का दाम अगर आप रिप्लेस करते हैं बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं बोलूंगा ये कार्व डिस्प्ले वाला जो भी स्मार्टफोन जिस ब्रांड का भी हो आप बिल्कुल मत खरीदिए। एंड दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, ओएस अपडेट। यहाँ पर मोटोरोला में जो भी ओएस रहता है वो स्टेबल बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, लेकिन जो है ना ये सिक्योरिटी अपडेट एंड ओएस अपडेट ये बिल्कुल टाइम में नहीं आता है, अभी भी ये ऐसा इशू है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 साल 4 साल वाला जो दावा करता है बहुत सारे ब्रांड्स, ये फॉलो नहीं करता है। साल में बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करेगा, मतलब कंपनी भी शायद भूल गया प्रीवियस मंथ को कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। इतना सारे मॉडल्स मतलब लॉन्च करता है ना, जो कस्टमर हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बोलूंगा ये जो ओएस अपडेट है मोटोरोला का बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ढंग से काम नहीं करता, बहुत ही फॉर्मल है। जो लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों के लिए मतलब ये स्मार्टफोन बिल्कुल बुरा रहेगा। मैंने भी एक बार एक मोटोरोला स्मार्टफोन, ये जो 850 स्मार्टफोन मैंने खरीदा था, उसके बाद वन मंथ के आसपास मैं मतलब सेल कर दिया। तो आप भी खरीदेंगे तो पछताओगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ओएस अपडेट नहीं आता है, ओएस स्टेबल नहीं है, ओएस में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम रहेगा। अगर अपडेट नहीं मिलेगा तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम बोलूंगा कैमरा को लेके, कैमरा को दावा करता है इतना मेगापिक्सल है, उतना मेगापिक्सल है, 200 मेगापिक्सल है, ये झांसा है। मतलब आपको बोल तो देगा इतना मेगापिक्सल दिया गया है, अगर पिक्चर खींचोगे ना तो तब पता चलेगा। बिल्कुल बुरा पिक्चर क्वालिटी रहता है मोटोरोला का फोन में। अब जो भी स्मार्टफोन उठा लो मोटोरोला का, मतलब इतना अच्छा नहीं है, मैंने भी एक बार चेक किया था, तो बिल्कुल मत लेना। अगर आपको कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो आप जा सकते हैं सैमसंग, नथिंग और एप्पल की तरफ, और बाकी जो भी फोन है ना, मतलब वहाँ पर कैमरा इतना ठीक से काम नहीं करता है और क्वालिटी भी इतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों मोटोरोला ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन में लेदर बैग दिया जाता है, जो बिल्कुल मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी का है। अगर कोई भी की आपका पॉकेट में रहता है एंड मोबाइल को भी आपने रखा है सेम पॉकेट में, तो क्या है स्क्रैच आ जाएगा एंड बहुत टाइम तो बहुत ही बुरा हालत होता है लेदर बैग का। तो फ्रेम जो रहता है ना एल्यूमिनियम का रहता है वो ठीक है, बहुत ही थिन रहता है मोटोरोला का फोन, स्टाइलिश रहता है, लेकिन स्टाइल पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। ग्लास बैग रहेगा तो बहुत ही प्रीमियम दिखता है, और मेटल बैग, मेटल फ्रेम, स्टील फ्रेम, एल्युमिनियम फ्रेम वाला कोई भी स्मार्टफोन आप ले लो, लेकिन लेदर बैग ना मुझे कोई भी ट्रेंड नहीं लगता। तो आप लोगे तो बहुत सारे स्क्रेचेस आ जाएगा, बैक कवर लगाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब दिक्कत, आप रिसेल भी नहीं कर सकते। इसलिए आप एक अच्छा सा बहुत बढ़िया कंपनी का स्मार्टफोन खरीदो तो ये सारे इश्यूज नहीं आएगा। तो दोस्तों फिफ्थ प्रॉब्लम है बैटरी एंड सर्विस सेंटर रिलेटेड। बैटरी में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे मॉडल्स ऐसा है मोटोरोला का जहां पर 5000 mAh 4500 mAh ऐसा बैटरी कैपेसिटी दिया जाता है। आप अगर रैप यूज करोगे तो दिन में आपको 2 बार चार्ज देना पड़ेगा, इतना जल्दी जल्दी बैटरी खत्म हो जाता है। सर्विस सेंटर में भी इशू है दोस्तों, आपके सिटी में देखिए अगर मोटोरोला का सर्विस सेंटर है कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है, मेरा यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, कोई भी जेन्युइन मोटोरोला का सर्विस सेंटर नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो इसीलिए अच्छे से मदद नहीं मिलता, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग बोलेगा ये स्मार्टफोन लेके जाएगा तो ढंग से काम नहीं करता, ठीक ठाक टाइम पे काम नहीं होता है, बहुत देर लगता है। मैंने भी 2-3 बार कुछ लोगों को मदद करने के लिए ट्राई किया, मोटोरोला का स्मार्टफोन में प्रॉब्लम हुआ था, तो बहुत बार फोन करके एंड कस्टमर केयर के साथ बात करके उन लोगों को मदद करने के लिए मैंने भी ट्राई किया था। तो यहाँ पर 5 प्रॉब्लम्स के रिलेटेड मैंने डिस्कस किया, अगर आप मोटोरोला स्मार्टफोन खरीदेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया, अगर आप ये जो सेल चल रहा है अभी बिग बिलियन डे सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से मोटोरोला का कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो फ्लैट डिस्प्ले वाला जो 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी देता है कोई भी स्मार्टफोन आप ले सकते हो, नहीं तो कार्व डिस्प्ले वाला जो भी मॉडल्स है आप बिल्कुल मत लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।